सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, आप सभी को जय हिंद। सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। तो पिछला जो क्वेश्चन था उस पूरे क्वेश्चन को आज हम लोग जो है इसको क्लियर करेंगे, और एक एक क्वेश्चन पर जो हम लोग पिछला बार जो देखे थे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन इसमें रह गया था, उसके बाद हम लोग कल आपका साइंस का क्लास है, कल आपका मॉर्निंग में, और मंगल यानी मंगल और बुधवार को आपको साइंस का क्लास है, उसके बाद जो है आप लोग का क्लास जो चलेगा। आज आप लोग का ट्रायल जो होगा एप्लीकेशन पर, आज हम लोग का क्लास जो है आप लोग का ट्रायल होगा, क्योंकि मॉर्निंग था तो बहुत सारा स्टाफ जो है कि थोड़ा सा ये रहता है, तो आज आप लोग का ट्रायल होगा और सभी लोग जो है इस पर आप लोग क्लास एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है अपने अपने ग्रुप में इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है आपका पेड अप वालों के लिए है। आज हम यूट्यूब चैनल पर नहीं किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग इसको क्या करिए कि शेयर कर दीजिए। आज नेट भी प्रॉब्लम था, बहुत नेट प्रॉब्लम था। जंटू चमन प्रास कराओ, अजीत कुमार, अजीत एजुकेशन एकेडमी, तब याद होगा। पेड वालों के लिए आप लोगों का क्लास जो है स्टार्ट होगा आज जो है आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा। जो पहले हम लोग आईडी और पासवर्ड जो दे चुके हैं, जो पहले जो ओल्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए आप लोगों का आईडी पासवर्ड वही रहेगा, जो भी रहेगा आपको हम 12 बजे के बाद आप लोग को मैसेज कर देंगे। आज रात वाला क्लास जो है एप्लीकेशन के थ्रू ही होगा, और जितने भी वीडियोज आपको जो है पहले जो क्लास हो चुका है वो सब आपको जो है डाल दिया जाएगा, लेकिन वन बाई वन प्ले लिस्ट बना करके उसमें वन बाई वन जो है आप लोग को डाल दिया जाएगा। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, बहुत सुंदर। अभी भी परचेज कर, अरे भाई आप लोग को मिल जाएगा, बोले तो आज से आप लोग का लाइव क्लास हो सकता है, शाम वाला क्लास जो है आप लोग का होगा, लाइव वाला क्लास जो है शाम वाला निश्चित तौर पर होगा, इसलिए कि उसमें आप लोग का लाइव क्लास चूंकि मॉर्निंग का समय था तो मॉर्निंग में चूंकि हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए कि थोड़ा सा टेक्निकल सब लड़का सब घर पे, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पूरा जो है लाइव क्लास स्टार्ट हो। अब इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो भी आप लोग का है आप लोग के सपोर्ट से जो है कि चैनल हैक होने के बाद भी हम लोग कवर कर लिए, कम बात नहीं है, ठीक है। तो सब आप लोग का प्यार है, सब आप लोग का स्नेह है, बस इसी तरह से आप लोग प्यार और स्नेह देते रहिए, उसके बाद हम आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है। अब क्लास आपका एक संडे को और एक क्लास बढ़ जाएगा आप लोग का बायोलॉजी का क्लास, तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग का सिलेबस जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग कवर करेंगे, ओके। चलिए हम लोग बढ़े, आगे बढ़े, सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग आप लोग अपने अपने ग्रुप में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई थी। दोस्तों आपको पता है, अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे जो आप लोग पढ़ चुके हैं, कमेंट्स थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जितना हो सके आप लोग कमेंट्स करके आंसर देते रहिए, ठीक है। लखनौती, लखनौती को जाकर के विद्रोह का नगर कहा जाता है, बोलते थे ना विद्रोह, है ना, विद्रोह का नगर कहा जाता है। विद्रोह का नगर है ना, विद्रोह का जाकर के लखनौती को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को याद है जो पहले बार बताए थे कि बंगाल का उस समय राजधानी हुआ करती लखनौती, और लखनौती को विद्रोह का नगर कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कहां पर राजधानी बनाई थी, सब लोगों का आप लोगों का सही जवाब इसमें आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कहां बनाया था, कहां बनाया था, लाहौर, कहां बनाया था, लाहौर, ठीक है। सब लोगों को गुड मॉर्निंग, शुभम कुमार, कोमल कुमारी, सभी लोगों को, रवि कुमार, अंजू कुमारी, सभी लोगों को मेरे तरफ से आप लोगों को क्रांतिकारी जो है आप लोगों को जय हिंद। उसके बाद जो है कि हम लोग हमेशा जो है पढ़ाई की बात करेंगे, और सिर्फ आप लोगों को जो रेस्ट बचा था ये आप लोगों को बता रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि आपको पता है, क्या पता है, 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था ना, बोली।
तो इसके पहले का जितना भी 30 क्वेश्चन आपको करवा चुके थे, आप लोग भली भांति उसको पढ़े होंगे और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद 1206 में जाकर किसको बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी या कुतुबुद्दीन, सॉरी आप लोग स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, या हम लोग उसको बोलते हैं क्या, या तो हम लोग बोलेंगे उसको गुलाम वंश, ठीक है। तो ये जाकर के मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और जाकर के उस मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु जब हुआ था 1206 ईस्वी में, यही जाकर के दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना और अपना राजधानी जो है कहाँ बनाया था, लाहौर को बनाया था। और इसी का एक और गुलाम था जिसको बोलते हैं दामाद भी था, इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश जो था इसका गुलाम था, और जाकर के लाहौर से दिल्ली, है ना, ये लाहौर से जाकर के दिल्ली स्थानांतरित किया था, कौन, इल्तुतमिश। ओके, समझ में आ गया होगा। अजमेर चूंकि आपको पहले भी बता चुके हैं, दिल्ली में तो दिल्ली का बहुत सारा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस है, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक पर आप लोगों को पता होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने का प्रयास किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे दिल्ली का जो राजधानी जो बनाया गया था, पहले जो भारत की राजधानी कलकत्ता थी, दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में जाकर के दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था तो इसमें किया गया था। तो राजधानी की जहां तक भी बात आता है तो निश्चित तौर पर जो है कि राजधानी आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। सभी लोगों को जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 32 नंबर का आंसर दीजिए, 32 नंबर, जल्दी फटाफट। प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में किसे उसकी उदारता के कारण लाख बक्स बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, लाख बक्स, ठीक है। कुरान खवा, पील बक्स और लाख बक्स, लाख बक्स का मतलब होता है लाखों का दानी, ये सब बताए थे ना आप लोगों को, तो सही इसका आंसर बता दीजिए क्या है, क्योंकि चैप्टर वाइज जब आप लोग पढ़िएगा तो बहुत आप लोग स्मूथली उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन यही अगर ऑल ओवर अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो गलत जवाब देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था कौन, इल्तुतमिश, यानी कि गुलामों का गुलाम, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। और इल्तुतमिश की बेटी थी कौन, रजिया सुल्तान, कौन थी, रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक जाकर के आपको दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका के रूप में याद करते हैं, रजिया सुल्तान को बोलते हैं ना, इसकी पुत्री थी, कौन थी ये, बेटी थी, पुत्री थी, योग्य पिता का योग्य पुत्री थी, ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश का 4 बेटा था और चारों जो है अयोग्य था, लेकिन मरने से पहले जो इल्तुतमिश कहा था कि मेरी पुत्री जो ही है जाकर के दिल्ली सल्तनत का अगला बार जो बैकडोर संभालेगी। तो सही इसका आंसर क्या मिलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या मिलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 में कह रहा है कि निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था, ये नहीं की बात हो रहा है, बताइए नहीं की बात हो रहा है, क्या होगा बोलिए, जल्दी से बता दीजिए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा या झोपड़ी जो भी बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो अलाई दरवाजा, सही इसका आंसर आप लोग जल्दी बता दीजिए, सब लोग जानते हैं, गुड गुड गुड, अतीश कुमार, संजय कुमार, काजल, काजल भी बहुत मेहनत कर रही हो आप, बहुत सुंदर, सब लोग धड़ाधड़ आंसर दो आप लोग, नो सस्पेंस, कोई बी कह रहा है भाई, बी कह रहा है कोई, वाह, कोई बी बोल रहा है, डी होगा ना, बोलिए, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था बताइए, अब जल्दी कमेंट कर दीजिए, अलाई दरवाजा का निर्माण, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, हाँ पीडीएफ शायद नहीं भेजे थे, आज हम भेज देंगे, आज पूरा का क्लास खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को भेज देंगे, बहुत सुंदर, इसका सही आंसर जो होगा अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने होंगे, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये जो कुतुब मीनार जो आप जो देख रहे हैं, कुतुब मीनार यानी कि 5वीं मंजिल का निर्माण आप जो देख रहे हैं, इसमें जो मुख्य जो द्वार है ना, मुख्य जो द्वार जो बोला जाता है, इसी का नाम है अलाई दरवाजा, ये भी ध्यान रखिएगा।
समझे ना। तो ये बहुत लगता है लोगों का कि बहुत अलग है, ये है मुख्य द्वार जो है कुतुब मीनार का, मुख्य द्वार को ही जाकर के अलाई दरवाजा कहा जाए, अलाउद्दीन खिलजी, गुड। तो ये जाकर के पांचवी मंजिल, मतलब एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक, ये जाकर के पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था। एक बार रिपीट भी करते चल रहे आप लोग को ताकि याद हो जाएगा। तो पांचवी मंजिल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो एफएसटी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका नींव जो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ने। और इसको पूरा कौन करवाया भाई, तो इल्तू तमिश, चूंकि उसका दामाद था और गुलाम वंश का जो है, गुलामों का गुलाम, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तू तमिश, जो 1210 ले जाकर के 1236 ईस्वी तक जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, ठीक है। तो इसके द्वारा अलाई दरवाजा कभी अब भूलिएगा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य और असत्य है, कोई कोई पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अलाई दरवाजा का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी, क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी, गुड। कोई दिक्कत, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, ये पांचवी मंजिल का, जब बिजली जो है तड़पता है, जब धड़कता है, जब गिरता है ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जान लीजिए, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं, जल्दी इसका आंसर दीजिए, ऐतिहासिक ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत, जल्दी बताओ बाबू, ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत किसके द्वारा किया गया था, कराया गया था, जल्दी जल्दी जल्दी, पढ़ाए हुए बताए हुए, जल्दी, ऐतिहासिक इमारतों का मरम्मत जो है किसके द्वारा कराया गया था। बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, बिहार में सासाराम शेर शाह सूरी का मकबरा है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं। तो उस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को क्या होता है, टूट टूट करके गिर रहा था, तो उसका किसने जाकर के, सिकंदर लोदी, बारे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर नवल किशोर, आप बहुत अच्छी जवाब दिए हुए हैं। अरे भैया कोमल झा भी ठीक सही आंसर दिए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। लॉर्ड कर्जन, यार गजब हाल है, पढ़ा चुके हैं 1899 से लेकर के 1905 तक, लास्ट तक बने रहना, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत जो है कि नया नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि हो सकता है कि आपको नहीं पढ़ाए मिले, किसी में जाकर के आपको टच किए हुए। तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन जो है आपका 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक था, और जाकर के ऐतिहासिक इमारतों का मरम्मत करवाया था। भारत का पहला ऐसा वायसराय कह सकते हैं, गवर्नर जनरल कह सकते हैं कि पहला ऐसा था जो जाकर के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट का जाकर के क्या किया, मरम्मत करवाया। एक बार ध्यान रखेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया था, बताया था ना आप लोगों को, पुलिस विभाग की स्थापना किया था, विश्वविद्यालय आयोग बनवाया था, सिंचाई आयोग बनवाया था, इसके पीरियड में जो है कि जाकर रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना भी हुआ था। तो ये सब सारे चीज जो है आपको जानना होगा, ठीक है ना। और इसके पहले जो है 1896 का नाम सुने होंगे, 1896 में जाकर के सेलुलर, नाम सुने बाबू, सेलुलर जेल, क्या है, सेलुलर जेल का कार्य प्रारंभ हुआ था और बन करके तैयार हुआ था कब, 1906 ईस्वी में जाकर के सेलुलर, जो भारत में जाकर के काला पानी की सजा अगर दिया जाता था मैन को, तो यहीं पर दिया जाता था। बहुत बहुत बड़ी, मैंने उस समय के अगर वृतांत अगर पढ़ते हैं सुनते हैं ना, तो मन जो है ना अंदर से जो है खून जो है ना उबलने लगता है, सोच लीजिए, रोना आता है, रुलाई आता है, सोच सकते हैं। और आज के डेट में बताइए, भारतीयों को सजा देने के लिए, अरे गधा बेहुदा, हमारा देश, मेरा देश है, हम यहाँ स्वतंत्र विचरण करने के लिए हमारा देश बना था, और अदर कंट्री वाला आकर के मेरे ही देश के लोगों को कितना बड़ा जुल्म जो ढा रहा था, बताइए। और इतना, इसी को बोलते हैं काला पानी के, देखते हो उसका बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उसमें एक दूसरे को जो है ना खिड़की से बात करने तक भी आ गया नहीं था, सोच लीजिए। और आज की डेट में जाकर के बता देते हैं कि सेलुलर जेल जो है कन्वर्ट हो गया है 1963 ईस्वी में जाकर के, या गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जो है जाकर के, नोट कर लीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत, है ना, गोविंद बल्लभ पंत का नाम सुनोगे, इन्हीं के नाम पर जाकर के हॉस्पिटल खोल दिया गया है ना, क्या खोल दिया गया है बाबू, हॉस्पिटल। तो 1963 में देखिए, काला पानी की सजा, बीडी सावरकर का नाम सुने होंगे, विनायक दामोदर सावरकर, वही विनायक दामोदर सावरकर की बात करें जिसने जाकर अनुभव अभिनव भारत का जाकर के क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था, और वही अनुभव अभिनव भारत जो था जाकर के 1899 में मित्र मेला था, वो क्या था, मित्र मेला था, ठीक है, और उसी का नाम जाकर के बदल दिया, अभिनव भारत कर दिया था, और वही जाकर के बीडी सावरकर जो है सेलुलर जेल में जाकर के अंग्रेजों के घुटने टेके थे, उन्होंने जाकर के अंग्रेजों से माफी मांगा था दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं
ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं, लेकिन ये चीज आप लोग नहीं जानते होंगे। ये हमको पूर्ण विश्वास है कि ये पॉइंट आप लोग नहीं जानते होंगे, ये वाला पॉइंट। जानते थे तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। 1963 में 1963 में गोविंद पल्लभ पंत के नाम से जाकर उद्घाटन हुआ। आज के डेट में वो जाकर के 368 बेड का जो है वो हॉस्पिटल बन चुका है, ठीक है ना। बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं जो आप लोग को मॉडर्न में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोग को बहुत सारे फायदे होंगे एकदम बिल्कुल। 1963 जब आ गया, 1963 में आपको सीबीआई भी याद रखना है, याद करना है ना जी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब हुआ था, 1963 में हुआ था। और 1963 में आपको जाकर के भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सीएम जो बनी थी सुचेता कृपलानी। कौन बनती, सुचेता कृपलानी, है ना। तो सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली जो है महिला के रूप में जाकर के सुशोभित हुई थी। किस राज्य की सीएम बनी थी बाबू, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, बनी थी ना। तो क्वेश्चन है एक, लेकिन जानेंगे हम लोग अनेक, ठीक है। तो नॉलेज नॉलेज अगर आपके पास रहेगा ना, अरे कोई बात नहीं। चांदनी जी क्या हुआ, चांदनी को क्या हो गया, मेरा आंसर सर को आज भी नहीं दिख रहा, क्या हुआ चांदनी बोलो। उतना नहीं ध्यान देते हैं चांदनी, चंद्रमणि चांदनी का भाई मैसेज क्या था, उतना ध्यान नहीं देते हैं। सब लोगों को ध्यान देंगे तो हम लोग। करजन गुड, तुम तो आंसर दी ही हो चांदनी, हम कहां बोल रहे हैं कि नहीं दी हो, बोलो। करजनवा राहुल रंजन पाठक करजनवा बोल रहे हैं, चलिए ठीक है ओके। तो ये सब जो है जाकर के आपको नहीं यहाँ पर दे रहा है निगेटिव। देखिए एग्जाम में एकदम ध्यान रखिएगा, अभी से ही आप लोग का एग्जामिनेशन का टिप्स दे रहे हैं। एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन का होता है कि निगेटिव फॉर्म में पूछता है, और लड़का क्या करता है कि ओएमआर शीट जो रहता है गोल जो रंगने वाला जो रहता है उसमें लड़का लोग क्या करता है कि पॉजिटिव देखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा तुरंत जाके आंसर रंग देता है। ऐसे ऐसे हर लड़कों के मन में सुनिएगा, आपस में डिस्कस करते हुए 4 से 5 क्वेश्चन गलत कर बैठता है। तो कभी भी क्वेश्चन को बढ़िया से समय निकाल करके पढ़ना है, क्वेश्चन को समय निकाल करके पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। तो निगेटिव सेंस में पूछ रहा है कि नहीं करवाया था, ठीक है ना, नहीं करवाया था, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अलाई दरवाजा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा है क्या वो भी आपको बता दिए कि जो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जो देख रहे हैं ये जाकर उसका मुख्य जो द्वार जो बना ना, मुख्य द्वार जो घुसने वाला उसी का नाम है अलाई दरवाजा। जैसे आप लोग बुलंद दरवाजा का भी नाम सुने होंगे, सुने है ना, उसी टाइप से आपका जो है आज, हाँ सॉरी, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और 29 अगस्त जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 29 अगस्त 1905 है ना, 1905 भी आपको आ गया, यानी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो 29 अगस्त का दिन जो है आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जिसमें आपको क्या मनाते हैं, हम लोग खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आज आपको याद होगा कि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और उसके बाद जो है कि आपका राजीव गांधी खेल पुरस्कार को आपको जाकर के चेंज कर दिया गया, जो 91-92 में स्टार्ट हुआ था और उसका जाकर के ध्यानचंद के नाम पर ही जाकर के रखा गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो निश्चित तौर पर जो पिछला बार जाकर के इनका नाम बदल करके राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल के नाम पर रखा गया, ठीक है। और 25 लाख रुपए जो उसमें जाकर के दिए जाते हैं, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, यानी कि खेल के दृष्टिकोण से, खेल के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर जो आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में है, तो सब लोग जो है आप इसको बढ़िया से, सही बात है, राहुल रंजन पाठक 1928 में, 32 में और 1936 में ओलंपिक, ये बहुत अच्छे अच्छे मेजर ध्यानचंद का जो है रिकॉर्ड रहा है, और उसमें जाकर के 8 बार जो है जाकर के ओलंपिक गेम में जो है मेरा हॉकी जो है स्वर्ण पदक जीत चुका है, जो पूरे विश्व में ऐसा कारनामा आज तक हॉकी के दृष्टिकोण में कोई नहीं किया था। तो हॉकी का जादूगर भाग मिल्खा भाग का भी नाम सुने होंगे, तो एक मूवी भी आया था, तो ये सब जो है हमारे देश में जो है बहुत अच्छी, मिल्खा सिंह का नाम सुने होंगे, तो ये धावक थे। तो इस तरह से जाकर के बहुत सारे हैं, ठीक है। तो 1905 याद रखिएगा, 29 अगस्त, और आप लोगों को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और आज के बाद आपका जो है जीएस जो है करंट अफेयर्स जो नया मिलेगा।
है, नया मिलेगा जैसा कि अभी बताए हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, फिर आपका ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, फिर आपका अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, ये सब सारे चीज आपको मिलेंगे। तो आपका एक नया करंट कल बन जाएगा। तो करंट तो आपका लिमिट है, अभी हम करंट कभी पढ़ाए नहीं है मन से, लेकिन करंट आपका लिमिट है, उसको बढ़िया से फॉलो करेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, याद दिला दिए, हम तो बोलने वाले थे लेकिन याद आ ही जाता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 पर चले जाइए। जल्दी इसका आंसर बताइए कि कुतुब निबक के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था। सही इसका आंसर बता दो आप। बहुत लोग गलत आंसर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ लोग गलत आंसर देंगे। देखिए, चंदन कुमार का गलत आंसर आ गया है, कुंदन कुमार का भी गलत आंसर आ गया है, अजीत एजुकेशन एकेडमी का भी गलत आंसर आ गया है। वाह वाह वाह, सब बहुत। प्रभा मिश्रा ऑलवेज राइट, सोनू आनंद ऑलवेज राइट, इंस्पेक्टर साहब सोनू मल्होत्रा बिल्कुल सही है, और बी वाले लोगों का गलत हो गया, बी वाले लोगों का गलत हो गया। अरे बाबा, मैंने कहा था कि ये आराम शाह है, इसका सही आंसर आराम शाह हो गया। जब 1210 ईस्वी में जब विकेट गिरा था कुतुब निबक का, तो उसका बड़ा पुत्र का नाम था आराम शाह। तो मैंने कहा था ना कि उस समय चूंकि इल्तुतमिश कहा कि सूबेदारी दिया गया था, बदायूं का दिया गया था, उस समय कहा था ये, क्योंकि अकस्मात मृत्यु हुआ था ना, बोलिए अकस्मात मृत्यु हुआ था। तो ये क्या किया कि अपने आप को जो है जाकर के सुल्तान घोषित कर दिया, कौन, आराम शाह। और सुल्तान घोषित करने के बाद जो है कि जाकर के भारत के विभिन्न प्रदेशों में जाकर कुतुब निबक शासन चलाता था, प्रदेश को जो जीता हुआ था वो अपना जो है क्या बोलते हैं राज्याभिषेक करा करके भ्रमण करने चला गया। और भ्रमण करने जब चला गया, इसी बीच में क्या हुआ कि बदायूं से लौट करके दिल्ली चलाया, कौन, इल्तुतमिश। और इसको दिल्ली में घुसने से पहले ही जाकर के बंदी बना लिया, और बंदी बना करके क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जिसके चलते जो है जाकर के इल्तुतमिश जो है गुलामों का गुलाम यानी कि गुलाम वंश का वास्तव संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। देखिए, मात्र जो है 6 मंथ, विद्या रखिएगा, मात्र जो है 6 मंथ जो है जाकर के दिल्ली सल्तनत का। तो रिकॉर्ड पूछ रहा है यहाँ पर, कौन बैठा, के बाद है ना, के बाद, तो तुरंत जो है बात, उसके बाद ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नासुद्दीन कुबाचा, नासुद्दीन महमूद नहीं, नासुद्दीन कुबाचा का नाम सुने होंगे जो काबुल और गांधार का जाकर के उसको शासन चला रहा था, है ना। और ये जो है महमूद जो है गजनी, नासुद्दीन महमूद। इस तरह से जाकर के आपको जो है निश्चित तौर पर इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। एप्लीकेशन पर क्लास बाबू आज से होगा, अब कितना बार बोले मॉर्निंग के चलते, थोड़ा सा हम टेक्निकल में उतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आप लोग का क्लास आप लोग का अब रन कर जाएगा। सारे आप लोग को लिंक्स जो है डाल दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, जितने भी क्लास आपके हुए हैं वो सब कुछ आपको अपलोड हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला, बताइए आप, कैसे मिला ये बताइए आप जल्दी। 35 नंबर क्वेश्चन, एप्लीकेशन पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आज से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, शाम में, शाम में। चांदनी कुमारी आपका भी आंसर सही है, गुस्सा होने की बात नहीं है, सब तुम सब मेरे लवली मेरे भाई और बहन हो, है ना, बहुत प्यारे प्यारे आप लोग हो, आगे चल करके मेरे फ्रेंड्स भी आप लोग हो जाओगे, है ना, जब जॉब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है आप सभी लोग मेरे प्यारे हैं। इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राजीव कुमार कहीं तो पढ़ना ही है, कुछ लोगों को जो है मैनिया हो जाता है इसके चलते, है ना, अभी जो है ऐसा नहीं है, मैनिया हो गया है लोगों को तो अब उसके लिए क्या करिएगा। हमारा सिद्धांत है, हमारा चैनल है, खोने के बाद जो है थोड़ा सा हम लोग कमजोर पड़ गए, नहीं तो मेरे तरफ से आप लोगों को किसी भी तरह का शिकायत नहीं रहा था। मेरा एप्लीकेशन जो बहुत पहले बना हुआ था 2021 के अगस्त में बन गया था, एक बार ध्यान रखिएगा, लेकिन चैनल हैक करके पूरा करप्ट करके पूरा एकदम तहस नहस कर दिया गया, हमको बर्बाद कर दिया लोगों ने, लेकिन फिर भी आप लोगों का सहयोग और प्यार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ध्यान रखिएगा। हमको क्या लोग बर्बाद करेगा, जो लोग बर्बाद करना गलत सोचता है खुद बर्बाद हो जाता है, इसका इतिहास इस बात का गवाह है ना। चलिए, तो 35 का आंसर आपको क्या मिला, इसका आंसर होगा बाबू आपका ए होगा, क्या होगा, ए होगा। बहुत सारे लोगों ने गलत इसका आंसर दिया है, तो गलत आंसर देने वालों, जैसे शुभम कुमार गलत दे दिए, स्वाति सुमन सही है, रजनी
रागनी रागनी दैट इज रॉन्ग। इसका आंसर आपका ए होगा क्योंकि वह कुतुब नेबा का क्या था, दामाद था। इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला था? अरे भाई मोहम्मद गोरी का भी दामाद था कुतुब नेबा, और इसी का मेन चाहे इसका पर्पस था कि नहीं, ऐबक भी जो था गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इसमें जाकर के दामाद भी था और वो भी जाकर गुलाम था, जिसके चलते जाकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था, उसके चलते में हमको भी मिलना चाहिए क्योंकि वो दावा कर रहा था कि मैं कुतुब नेबा का दामाद हूं, है ना, दामाद था भी, है ना। इसके बाद जितने भी आपको जो दिए हुए हैं ये सब जो है गलत है। इसका सही आंसर जो होगा आपका ये होगा, क्या होगा, ये होगा, यानी क्या होगा, क्या कह रहा है, दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैनिक अधिकारियों को उसका चुनाव नहीं, इसी के द्वारा जाकर के तब ये जाकर के, चूंकि बहुत इसके विरोधी भी थे और जितने भी लोग विरोधी थे तो सभी 40 तुर्क जाकर के 40 लोगों का जो गुलाम सरदारों का जो संगठन जो बनाया था दल 40 या तुर्कान चिहलगामी, यही ना बनाया था, इसमें जाकर के बनबन भी इसका मेंबर था। बोलिए भूल रहे हो आप लोग, थोड़ा सा पट्टा दे दिए, उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है, तो बस घबरा जा रहे हो आप लोग। चलियो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो अच्छा, सिक्स नंबर था ना। थर्टी सिक्स नंबर देखिए, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था, बताइए। अभी आपको बताया है, अभी जस्ट आपको हमने बताया है, जल्दी से बता दीजिए, सुंदर इसका जवाब आप लोगों को मिलना चाहिए सभी लोगों का, और जिसका जवाब गलत होगा मैं यहीं से शब्द वेदी बाण भाग चला दूंगा। अभी तक तो किसी का आंसर गलत नहीं मिला है। गुड, चलिए सही इसका आंसर मिलेगा, क्या बताइए ना। लखनौती को विद्रोह का नगर कहा जाता था, चूंकि आपको पढ़ा चुके हैं जब बलवन जो था बलवन के पीरियड में, तो वहीं से जाकर के बंगाल की राजधानी जो हुआ करती थी लखनौती, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए कभी इसका गलत आप आंसर नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बदायूं, क्या होगा, बदायूं होगा, क्या होगा, बदायूं। गुड, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 37 नंबर देख लीजिए, बोलिए किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है, इतिहासकार की बात हो रहा है, आरपी त्रिपाठी, के एन निजामी, ए बी एम हबीदुल्लाह और उपर्युक्त में से कोई नहीं। 37 का सही आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी। हालांकि इतिहासकार के बारे में आप लोग अब गुलाम मन से आंसर गलत नहीं ना होगा, 712 से लेकर के 1290 तक एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव भी बता दिए, सब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए कहानी के तौर पर, हो सकता है एक दो पॉइंट आप लोगों को मान लीजिए हमसे छूट गया होगा, तो बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। हम एग्जामिनेशन की व्यू के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, आपके रिजल्ट आपको देना है उसके दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं। अगर केवल हिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे ना, हम पढ़ाने लगेंगे तो आपको कम से कम एक साल लगेगा, प्यार से पढ़ाएंगे तब, और दुनिया का कोई भी। इसका सही आंसर होगा बाबू आरपी त्रिपाठी होगा, ठीक है ना। मुस्लिम यानी कि प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश चूंकि 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक जा करके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, ठीक है। इसके पेट में जो भी अधूरा काम अगर ऐबक का रहा था वो जाकर के क्या किया इन्होंने, पूरा करवाया, ठीक है। कोई दिक्कत, सही इसका आंसर ए होगा, ठीक है। घबराएंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपको आता है, कभी कभी आता है, लेकिन आपको कभी कभी इतिहासकार का मत जो है आप लोगों को जानना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर दे दीजिए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली, यह सम्मान इल्तुतमिश को, सही बात है, खलीफा का पद आप लोग को बताए थे ना, पढ़ाया ना, बोलिए निकाल करके वीडियो देख रहे, सही इसका आंसर बता दीजिए बस। 38 का आंसर क्या होगा,
बोलिए आंसर दिए आप लोग। जय हिंद सर। वाह, बस हम दावा कर रहे हैं कि किसी भी लड़का जो भाई नहीं पढ़ेंगे उसका हम दावा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि रिजल्ट आपको चाहिए, आप हमसे जुड़िए, जुड़े रहिए, आप सिर्फ मेरी बातों को फॉलो करिए। नहीं पढ़ने वाले तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, नहीं पढ़ने वालों का यही रहेगा, लेकिन पढ़ने वालों का जो है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बस उनको जिस तरह से हो सके भाई उनको ऑब्जर्व करना है कि लेवल क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर बहुत लोगों ने गलत दिया है। अजीत एजुकेशन एकेडमी आपका आंसर सही है, सी ही होगा। रोहित कुमार का भी सही है, उसके बाद प्रमोद राज का भी सही है, रोहित कुमार का भी सही है, ठीक है। इसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है ना। ये हम आपको बताए थे 1229 ईस्वी में, आप लोगों को बताए थे खलीफा का पद वाला, आप लोग ध्यान नहीं दे पाए हैं, ठीक है। और इसी के पेड़ में आपको बताए हैं कि 1215 आपको याद है ना, 1215 थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तृतीय जो है तराइन का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है आपको 1221 भी आपको है, 1221 में क्या हुआ था बोलिए, 1221 ईस्वी में क्या हुआ था, चंगेज खान, चंगेज खान क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, आपको पता है ना 1221 में, बोलिए। उसका छोटा भाई था जलालुद्दीन मंगवरनी नाम था ना, उसी को भाई का वध कर दिया था, उसी को मारने के लिए जो है कि छोटा भाई का वध किया था जलालुद्दीन मंगवरनी को, खदेड़ते भारत के सिंध जगह पर आ गया था। चलिए और भी एक पढ़ाए थे आपको, एकता सिस्टम, एकता प्रणाली याद है ना, ये सब बुलाएंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडी का बहुत अच्छा वैकेंसी आ रहा है जीडी का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो आप लोग को होंगे जो सम्मान में जो भरेंगे, वो लोग फॉर्म अगर भरेंगे तो निश्चित तौर पर जो है कि आपको उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं। जिनका एजुकेशन जो है थोड़ा सा कमजोर होगा उन लोग को जरूर बोलिएगा, हम लोग चूंकि याद करेंगे उन लोग को पढ़ा देंगे, उसमें भी रिजल्ट आप लोग का अच्छा खासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को अपने शासन काल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा, जल्दी बताइए। अब तो बता दिए इसके आंसर, अभी जस्ट ही बताया है, जस्ट बता दिए 39 का आंसर बता दिए तुरंत। इल्तुतमिश को अपने शासन काल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है, सब लोग आप लोग दीजिए धड़ाक धड़ाक, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ABCD कब, हालांकि ऑप्शन में आपका डाला हुआ है, हमारा ही हम कक कका चलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन में ABCD भी चलता है ना, ठीक है। चंगेज का होगा, चंगेज का यानी कि कब आया था, तो लिख लेंगे 1229, कब आया था 1229, होगा गलत ना हो गया, बोलिए गलत हो गया 1221 अभी बताए, चंगेज का क्या हो जाएगा 1221 ईस्वी में, 1229 नहीं, 1229 में जाके खलीफा की बात हो जाएगा, 1229 ईस्वी में जाकर के कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था, पूरा करवाया, निर्माण कार्य जो जाकर के पूरा करवाया था 1221, ठीक ठीक है ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें से मात्र जो है मात्र 60 में से 10% ही क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आते हैं, मात्र 10%, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, इसी जलालुद्दीन मंगवरनी की जो बात कर रहे थे है ना, इसका बंद करने के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। 40 नंबर, दिल्ली सल्तनत का कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टंका, चांदी का टंका और तांबा का जीतल चलाया था ना, बोलिए। कुतुब नेवक ने कोई पॉइंट्स नहीं चलाया था, ध्यान रखिएगा कोई पॉइंट्स नहीं चलाया था। इसका सही आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश, क्या होगा इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने जाके चलाया था। इसका सही आंसर क्या मिलेगा, बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जितना आप लोगों को पढ़ाए हैं उतना आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बता दीजिए बाबू, जल्दी से बता दीजिए। कुतुब नेवक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई, इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था, अभी बताइए
पहला सुल्तान था। ये कथन जो है किसका है, किस इतिहासकार का है, ये है आपका। हालांकि इसका ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर होगा डॉक्टर एबीएम हबीबुल्लाह, नोट कर लीजिएगा डॉक्टर एबीएम हबीबुल्लाह, इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन सही इसका आंसर जो होगा आपका जो होगा डॉक्टर एबीएम हबीबुल्लाह, ठीक है, इसका नोट कर लीजिएगा। इसमें से जो ऑप्शन जो दिए हैं, चार ऑप्शन जो दिए हुए इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा एबीएम हबीबुल्लाह, ये जाकर के इतिहासकार है, नोट नन ऑफ दिस, थैंक यू चांदनी, अब एक्सपर्ट हो गई हो आप। नेहा नहीं दिख रही है, नेहा नहीं दिख रही हो आप, काहे किसी का सही ना है, हम जानबूझ करके डालते हैं इस तरह से क्वेश्चन, हम जानबूझ करके डालते हैं क्वेश्चन कि आप क्या इसका आंसर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे चूंकि आपका पता है ना कि आपका निगेटिव मार्किंग भी है, पता है कि नहीं है, बोलिए निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग है, अगर आप इसमें से कोई आंसर अगर आप बना दिए, तो चूंकि क्वेश्चन सेटर क्या होता है कि अगर 150 क्वेश्चन है उसमें से देखिएगा तो 1-2% जो है ना, 2-3% मान के चलिए, क्या होता है कि नेगेटिव लोग डालता है, नेगेटिव क्वेश्चन डालता है, अगर 150 क्वेश्चन तो 150 में से क्वेश्चन 150 ही बच्चे बनाने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उसमें क्या है कि 1-2% क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए डाला जाता है कि ताकि तौहीनी ना हो, ताकि क्या हो तौहीनी ना हो, है ना, तो इस तरह से जाकर के मेरा भी सिद्धांत रहता है कि उसमें जाकर आपको निगेटिव डाले, कोई ना कोई इसका आंसर आप लोग दिए होंगे, ठीक है ना, नन ऑफ। शुभम, नेहा है सर, नेहा दिख नहीं रही हो, कमेंट करो, तो इस तरह से जाकर के जो है कि आपको निगेटिव जब देंगे तब ना आप निगेटिव मारिएगा, आंसर अगर नहीं पता रहेगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन को आप छूट दीजिएगा, टच करिएगा, आप निगेटिव में चले जाइएगा, इसलिए ध्यान रहिएगा रखिएगा कि जब आप जानिए कि ये आंसर सही है तो आपका सही होगा, कभी कभी आप लोग का तुक्का लगाने वाला भी सिस्टम बताएंगे, आप लोग को क्लास करते रहिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपका 100 है, देखिए क्वेश्चन समझ जाइए आप, मान लीजिए क्वेश्चन आपका 100 है, आप मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन आप बनाए, 40 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, मान लीजिए सपोर्टेड 100 लेकर के चल रहे, अब आपको लग रहा है कि नहीं नेहा भी 60 को बनाई होगी, शुभम भी 60 को बनाया होगा, पाठक जी भी 60 को बनाए होंगे, अब लोगों को लग रहा है कि नहीं इतना रिजल्ट मेरा नहीं होगा, है ना जी, ऐसा लग रहा है कि नहीं रिजल्ट मेरा नहीं होगा, तब क्या होगा, अब आपको लगेगा कि नहीं 10 क्वेश्चन और मेरा बन जाता तो 100% जो है रिजल्ट मेरा हो जाता, तो ये 10 क्वेश्चन को कैसे इंक्रीज करिएगा ये सब चीज आपको हम बताएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि 17 नौकरी हम नहीं लिए हैं, कुछ ना कुछ तो अनुभव है, कुछ ना कुछ तो आइडिया है ना, ओ शुभम ही नेहा है सर, वाह अच्छा क्यों शुभम ही नेहा है सर, सुनारी बोल रही है कि शुभम ही नेहा है, शुभम नेहा कुमारी, ओ ऐसा क्यों, शुभम और नेहा दोनों भाई बहन हो क्या आप लोग, ये क्या कंफ्यूजन है ओ शुभम किसी कभी लड़की के नाम से ट्रांसजेंडर हो गया है क्या शुभम कोमल झा बोल रही है कि शुभम कभी लड़की के नाम से आता है नाम बदलकर क्लास करता है ओ नहीं, कभी कभी ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए कि एक आईडी है तो भाई और बहन भी हो सकते हैं, तो भाई कोई कोई क्लास करता है बस रुपया बोल रहा है नहीं, डोंट एनी कमेंट, तुम्हारा छोटा भाई है ठीक है ना, इसलिए उसको प्यार दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, जल्दी आलम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान, पहली बार जल्दी 42 का आंसर बता दीजिए, सब लोग आंसर सही दोगे मुझे पता है, सब लोग आप लोग आंसर दोगे,
पिछला क्लास में आप लोग कमेंट्स देखिएगा, एक टीचर जो है इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर है, उन्हें उनके द्वारा भी कमेंट, मैथ पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं बता देते हैं, और उन्होंने उनके द्वारा कमेंट किया गया कि यू आर बेस्ट, उनके द्वारा एक कमेंट किया गया था मेरे मेरे प्रति जो कमेंट था सर का, हालांकि नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनके प्रति जो है मेरा, अगर सर देख रहे होंगे मेरा वीडियो अगर देखते होंगे तो आपको सैल्यूट है ईडूई गुरुकुल की तरफ से और मेरे मेरे पूरे परिवार की तरफ से, तो सैल्यूट है। आप इंडिया के टॉप मोस्ट 1 to 10 में आप टीचर हैं और उसके लायक हमें जो आप समझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए सर आप जहां भी हो जिस रूप में भी हो, और एक छोटे से गांव के कस्बे से हम लोग आते हैं और छोटे से गांव कस्बे में भी पढ़ाते हैं, इसलिए सर आपको सैल्यूट है कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर होते हुए भी एक छोटे से गांव के टीचर को अधिकारी नहीं कहना चाहेंगे, टीचर को आपने जो है इतना बड़ा सम्मान दिया, इसके लिए आपको सैल्यूट है सर, बहुत अच्छी बात। देखिएगा पिछला जो आप लोग का 1 to 30 जो क्वेश्चन कराए थे, इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर, इंडिया के टॉप मोस्ट मुझे लगता है कि एक नंबर वन टीचर है वो इंडिया के, और वैसे टीचर जो है हमको जीएस के मामले में जो है कि वो उनके द्वारा कमेंट किया गया था, तो बहुत अच्छा लगा कि चलिए सर को भी मुझे पसंद आया, और मैं उनको हमेशा मैं धन्यवाद दूंगा और हमेशा सैल्यूट करूंगा। इसी तरह से हमारे जो फैमिली जो बच्चे जो जुड़े हुए हैं भाई बहन के रूप में, उनको आप हौसला अफजाई करते रहिए, इनकलाब जिंदाबाद सर कुछ बोल रहे हैं। चलिए नाम क्या है सर का, आप नाम नहीं बताएंगे बाप, नाम नहीं बताएंगे, आप लोग देखे थे शायद, आप लोग नहीं देख पाए थे, इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर है, 1 to 10 में उनका स्थान है, ठीक है। वैसे टीचर जो है हमको मैंने कमेंट्स किए थे, शायद आप लोग देखे भी होंगे और लेकिन फॉलो नहीं किए होंगे, और उनका कॉल भी मेरे पास आया था, हम बात भी 2 मिनट किए हुए हैं, कोई बात नहीं है, चलिए अच्छी अच्छा लगता है, नाम नहीं बताएंगे। चलिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, जो कि पढ़ाने का जो है ना, पढ़ाने का तो भाई एक तो अलग मेरा अंदाज तो है ही, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं, और हम फालतू चीज नहीं बकवास करते हैं, पढ़ाते हैं फलाना चिल्लाना ढकाना ये सब, सिर्फ टू द पॉइंट पर हम लोग फोकस। आप लोग 2 महीना 1.5 महीना से क्लास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि मेरा क्वालिटी क्या है, और टेस्ट में तो खैर कहना ही नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। रजिया सुल्तान भी अपनी राजधानी जो है दिल्ली ही बनाई थी इल्तुतमिश के बाद। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, इल्तुतमिश से संबंधित हस एक कल्ब या कलवर ए सुल्तानी किसे कहा जाता है, जल्दी सा कमेंट कर दीजिए जल्दी सा। 43 नंबर, बोलिए 43 नंबर का आंसर दीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा चलिए लोगों को पसंद आ रहा है, कम बात थोड़ी है ना, ऐसा नहीं है कि कमेंट्री करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये करते हैं, लेकिन पसंद है लोगों को, तो भाई अगर कोई भी अगर अच्छा वर्क करेगा, अभी देखिए हाल ही में 2-4 बच्चा, छोटा छोटा बच्चा लगभग 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा था, उसमें जो स्प्राइट का जो बोतल होता है लगा करके मुंह में और मीडिया का रोल निभाया था, तो उसमें क्वालिटी था। आज वो बच्चा जो है पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में चर्चा में है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लोगों का आपको कहानी बताएंगे। अभी एक दिल्ली की एक बच्ची है, 9th क्लास की बच्ची है और देश की 17 भाषा बोलती है, ध्यान रखिएगा। तो उसका था जब टीवी पर डिबेट जब देख रही थी तो उसका तमन्ना था कि हम भी जो है लैंग्वेज सीखे। तो आपके अंदर एक जज्बा होनी चाहिए, अगर हम भी जज्बा लिए हुए हैं, अगर हम भी ठान रहे कि नहीं भाई बच्चों को हमको पढ़ाना है, और मेरे पढ़ाए हुए भारत के हर कोने कोने में बच्चा जो है नौकरी कर रहा है, एक बार ध्यान रखिएगा, और एक दो नहीं लगभग 5,000+, चूंकि ऑफलाइन बच्चे की हम बात कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन में तो हम आए ही हैं, ऑनलाइन में आप लोग 6 महीना में आप लोग देख ही रहे हैं, पिछला बार दरोगा का आप लोग जलवा हमारा देखे भी आप लोग, तो इस तरह से आने वाला समय आप लोगों को बताएगा, आप लोगों के बीच में जो रिजल्ट जब होगा तो निश्चित तौर पर आपको बताएगा। और हम जो है एप्लीकेशन पर जब क्लास करेंगे तो एक एक बच्चा के गार्जियन से भी हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक एक बच्चा के गार्जियन से, और आपकी क्या क्वालिटी है, क्या पढ़ते हैं, चूंकि ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन आता तो हम तुरंत पकड़ लेते कि आपकी कैपेसिटी क्या है,
लेकिन अब ऑनलाइन है तो आपसे हम जरूर बात करेंगे। हर लड़का हो या लड़की हो, हम हर लोगों से, हमारे आउट ऑफ कंट्री की लड़की भी इसमें जुड़ी हुई है, टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई है, क्लास में जुड़ी हुई है, क्योंकि वो रहने वाले बिहार की है लेकिन आउट ऑफ कंट्री में रहती है। तो निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। तो हम रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट में विश्वास करते हैं, अदरवाइज लंद फंद और देवानंद में हम विश्वास नहीं करते हैं। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, इल्तुतमिश से संबंधित जो है 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बता दीजिए। इसका आंसर होगा ए, सुल्तान द्वारा स्थापित सेना। ठीक है ना, सुल्तान द्वारा स्थापित सेना, इसका आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, मदरसा नहीं होगा, अंगरक्षक नहीं होगा, इनमें से इसका सही आंसर आपका ए होगा। कुछ लोगों ने सही आंसर इसका दिया भी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग का एक दिन मैराथन क्लास 6 घंटा का लेने वाले हैं, सोच रहे हैं कि आप लोग का एक दिन 6 घंटा का क्लास आप लोग का लेंगे, यूट्यूब चैनल पर लेंगे, और पूरा क्वेश्चन रहेगा, कम से कम 200 क्वेश्चन रहेगा, उसमें सारा मिसलिनियस क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल, और देखिए आप लोगों को कितना मजा आएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, बताइए। एकता प्रणाली, एकता सिस्टम बोलते हैं इसको, आप लोग को पता है एकता प्रणाली का तात्पर्य आप लोग को हम बताए थे क्या है, तो जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, है ना, जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना एकता सिस्टम कहलाता है, एकता प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सही इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही है, इल्तुतमिश यही जाकर के एकता सिस्टम चलाया था। एकता सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाए हैं, और भूलिएगा नहीं, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये बीबीआई क्वेश्चन है, और उसमें खास करके ये क्वेश्चन का पैटर्न है, तात्पर्य क्या है, एकता सिस्टम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन इसमें से क्वेश्चन जब देगा कि एकता प्रणाली का क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसमें आंसर आप लोग दीजिएगा हमेशा जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसी को बोलते हैं एकता सिस्टम। ठीक है, और आगे चल करके भी एकता सिस्टम को बहुत सारा लोग फॉलो भी किया और बहुत सारे लोग इसको बंद भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, कमेंट पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान चलगानी, वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सब बता दो आप लोग पढ़ाया हुआ है बाबू, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी करा दिए, पढ़ा भी दिए, हर सेक्शन जब पढ़ाएंगे, जैसे मॉडर्न में आपको 4 सेक्शन पढ़ा चुके थे, तो सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव भी कराए थे, तो आप लोग को रास नहीं आ रहा था, तो उसको आपको सब्जेक्टिव पढ़ा के फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कानी चहलगानी किससे संबंधित है, इसका सही आंसर बता दीजिए, सब लोग जानते हो आप लोग। ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आ रहा है कोमल झा, ये अरे भाई इसका आंसर सी होगा ना, ये कैसे होगा, सैन्य अधिकारी था, अरे बाप रे बाप, उसका विद्रोह कर रहा था लोग, सैन्य कहां से भी अधिकारी हो जाएंगे, बोलिए। मुल्तान के दरबार के 40 विद्वानों के समूह से सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों, गैर तुर्की का मतलब क्या हुआ, दिल्ली, दिल्ली के भी कुछ थे, ठीक है ना, इसका सी आंसर होगा ना, बोलिए। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था, उसमें तुर्की दास भी थे और गैर तुर्की भी थे, मतलब दिल्ली के कुछ लोग भी थे, और सबको मिलाकर के जाकर के तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा या चरगान भी कहा जाता है। ठीक है, इसको 3 नामों से पुकारा जाता है, जो किसका दिन है, तो इल्तुतमिश का दिन है, किसका दिन है, इल्तुतमिश का। ठीक है, तो सही इसका आंसर आपका सी होगा, देखिए सब क्लोज क्लोज दिया हुआ है, लेकिन उसमें से आप लोगों का 72 आंसर जो है कुछ लोग गलत आंसर दिए। ऋचा कुमारी, कभी आप लोगों को पढ़ने में मन न लगे, मेरा वीडियो जरूर निकाल करके, कोई ना कोई वीडियो निकाल के जरूर पढ़ लेना, एकदम बिल्कुल मन लगेगा। लाइफ में कभी भी आप दुखित मत होइएगा, दुखित वही लोग होते हैं जिनके पास जो है अच्छी खासी नॉलेज नहीं होती है, दुखी वैसे ही लोग होते हैं जो मन से पढ़ते नहीं है,
हम बार बार बताते हैं, अगर आपको मन में नहीं लगता है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या आपको लगता है कि मेरे से कंपटीशन नहीं निकल पाएगा, तो उस पीरियड में क्या करेंगे कि कोई एक सेक्शन निकाल करके पढ़ लीजिए। एक मिनट, जब देखिए इसको कहानी बता देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। कोमल झा, हाँ कोमल झा, बलबल ने इसको विनाश किया था। हम इसलिए बता रहे हैं कि चूंकि इसका दमाद था, आप लोग एग्जाम्पल भी मान लीजिए, किसी लड़की का शादी अगर होता है और उस लड़की का दमाद उस गांव में रहेगा तो कितना ताना लोग मारता है कि नहीं मारता है। देहाती भाषा की बात कर रहे हैं, आपके देखते हुए गांव घर में एक दमाद लोग होगा निश्चित तौर पर, जिनके मान लीजिए कि सिर्फ दो दो बहने हैं, उनके लड़के नहीं है, तो उनके दिली इच्छा होता है कि मेरे दमाद जी मेरे यहाँ है, मेरे भी मोहल्ला में है, तो उसी टाइप से लोग ताना लोग मारता है, पूरा गांव वाला उसको गाली देगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी टाइप से जो है ये दमाद था, और दमाद का तो जाहिर सी बात है कुछ लोग पक्षधर थे कि नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है बेटा ही जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने, लेकिन नहीं, बोला कि नहीं वो भी गुलाम था और मैं भी गुलाम हूँ, वो भी दमाद था हम भी दमाद है, इसलिए जाकर। तो जो लोग इसका अपोज कर रहे थे, उस जो लोग भी अपोज किए, उसी में जाकर के 40 लोगों का एक संगठन बना दिया। उसमें तुर्की लोग भी थे, जिस तरह से मोहम्मद गोरी के समय में जो लोग आए थे उसमें कुछ लोग थे, और दिल्ली के कुछ स्थानीय लोग भी थे, वही बोल रहा है कि गैर तुर्की अधिकारी है ना, जो राजकाज में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, अब मोहम्मद गोरी के समय में काम किया करते थे, वैसे लोगों को जाकर के एक संगठन बना दिया, उसी को बोलते हैं तुर्काने चिहलगानी या दल चालीसा या चरगान भी कहा जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा, बोका था आराम, था बोका ही नहीं था आराम, ये जो है विलासी प्रवृत्ति का आदमी था, उसको लड़कियों का संगत बहुत पसंद था, ठीक है, हमेशा जो है मदिरा मतलब समझते होंगे शराब का सेवन करता था, पीता था और जा करके जो है मस्त एकदम जो है कि लड़कियों के बीच में दम रहता था, ठीक है। तो इस तरह से राजकाज नहीं चलेगा, ठीक है। अब बोला, अब कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं था, अरे कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बेटा था ना, आराम शाह किसका बेटा था, गजब हाल है, उसी का बेटा था। देखिए उन लोगों में जो है काम अती शासन चलाने का कोई गुण नहीं था। अरे बेटा बेटा जो बता रहे हैं, बेटा का मतलब ये कि आपको तो जो बेटा मान लीजिए कि चांदी का चम्मच लेकर कहीं पे, मान लीजिए सपोर्टेड कि राहुल रंजन पाठक मान लीजिए कि अरबपति खानदान में अगर पैदा होते तो उनको ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत होता, क्यों जाते एसएससी के एग्जाम में, क्यों रेलवे के एग्जाम में। अंबानी मान लीजिए, धीरू भाई का अंबानी का बेटा पैदा हुआ, कौन था, आकाश अंबानी, तो आकाश अंबानी जो है जाकर रेलवे का एग्जाम देगा। कहने का मतलब ये कि जिसके पास पैसे है, ईसो आराम की जिंदगी है, वो क्या करेगा, वो पढ़ के क्या करेगा, मरना है, उनके दिमाग में ऐसा लगता है लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या था, राजा था। तो राजा जब था तो जाहिर सी बात है क्या इसको पढ़ने की जरूरत है ना, क्या मेहनत करने की जरूरत है। इसी तरह से बहुत सारे टैक्स आते थे, सोने जवाहरात हीरा चांदी की बहुत सारी संपत्तियां थी, तो क्या पढ़ के करेगा, यही कारण। ओके, तो चलिए इसका आंसर मिल गया, आप लोग भूल रहे हो, कुछ लोग आंसर गलत दिए हैं, अब शब्दवेदी बार लगता है चलाना ही पड़ेगा, आपको चला देंगे, जान लीजिएगा। इल्तुतमिस के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु घाटी में डूबकर आत्महत्या किया था, बोलिए, प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी मतलब उसका अपोजिट वाला। 46 का आंसर दीजिए, 46 का आंसर दे दीजिए। हिंट कर दें, गुड, वाह, सब बताए हैं, काबुल और गंधार शासन चला रहा था, कौन, नासुद्दीन कुबाचा, सही इसका आंसर क्या होगा,
बोलिए नासुदीन कुबाचा यलदौज, ये होगा यलदौज है ना, नासुदीन कुबाचा, इसका सही आंसर क्या होगा, नासुदीन कुबाचा। गुड, डूब कर जाकर के आत्महत्या कर ले, बहुत सुंदर, सभी लोगों का आंसर बहुत सुंदर मिला है, कोमल जा का भी सही आंसर आया है। चलिए 47 नंबर देख लिया जाए, जल्दी से बताइए कि 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन हुआ, जल्दी जल्दी जल्दी, इस सब उसका बेटा है, 3 गो बेटा 1 बेटी है, 4 गो बेटा था उसका, जल्दी आंसर 47 का सबसे बड़ा बेटा कौन था, जो सबसे बड़ा बेटा, सब लोगों ने भी आंसर दे रहा है भाई, गजब हाल है, गजब हाल है, वाह 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 वाह, इसी का नाम है हिस्ट्री ज्योग्राफी बेबापा, रात को पढ़िए तो दिन को सफा, सुनू आनंद का सही आंसर मिला। अरे बाबा गजब हाल है, एक दिन में तुम सब डिस्टर्ब हो जा रहे हो, अरे यार उसका बड़ा बेटा था ना रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जब 1236 ईस्वी में जब जाकर के मृत्यु जब इल्तुतमिश को हुआ था, तो जाकर के रुकनुद्दीन फिरोज जो बड़ा बेटा जो था, ये अपने आप को जाकर के सुल्तान घोषित कर दिया, सब पढ़ाया लिखाया मेरा गुरबाटी कर दिया यार, रियांशु कुमारी सही। तो अब बताओ, अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जाकर के क्या कर दिया, कैद करवाई थी ना, और इसी का बहराम शाह भी था, इसी का भाई था रुकनुद्दीन फिरोज का, वो तो अपना ताक में लगा हुआ था कि मेरी सिस्टर जो कैसे बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि मरने के बाद है कि रुकनुद्दीन फिरोज जो कि बड़ा बेटा था, ये जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अपने आप को घोषित किया था, ठीक है, और आगे चल के इसका वध भी करवाई थी, कौन, रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान जब वध करवाई तो जाकर के दिल्ली सल्तनत की अगला सुल्तान जो है महिला के रूप में, क्योंकि इल्तुतमिश कह चुका था कि मेरे मरने के बाद जो है अगला जो शासक जो बनेगा, सुल्तान जो बनेगा, वो मेरी बेटी बनेगी, बात समझ में आ रहा है, देखिए ये हकी था, ये जिद्दी था, और जाकर अपने आप को जाकर के दिल्ली सल्तनत का शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में घोषित किया था। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये ज्यादा दिन तक जो है, ज्यादा दिन तक जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं रहा, वास्तविकता यही था, मात्र 2 मंथ, इसका नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन इसमें था, जो क्वेश्चन हम डाले हैं उसकी बात, अगला शासक की बात हो रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना, क्या होगा, सी होगा। नासुद्दीन महमूद अपना बेटी का विवाह किया था, बलबन अपना बेटी का विवाह कर दिया था, ये जीजाजी हो गए थे और बलबन क्या हो गया था, ससुर बना था। चलिए कोई बात नहीं, नासुद्दीन महमूद जो है आप लोगों को बताए हैं, अंत में जाकर कि कुरान का नकल करता था, बताए थे ना, कुरान का नकल करता था, मार्केट में बेचवाता भी था, बेचता भी था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका सही आंसर होगा, तब इसका भाई जब जाकर रजिया सुल्तान होगा, भूल गए आप लोग रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी, याकूत खां और दुनिया, बोलिए बोलिए, भूल जा रहे हो आप लोग, सस्पेंस नहीं, सस्पेंस करोगे तो फिर दिक्कत होगा बाबू, सस्पेंस वाला क्वेश्चन तो हम डालते ही हैं, डालेंगे भी, आपको डिसाइड करना है क्या उसका आंसर सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि रजिया ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपदस्त कर सत्ता पर अधिकार किया था, सही देखिए आ गए ना यहाँ पर, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपदस्त करके मतलब सत्ता से हटा करके, इस तरह से सत्ता में आने की मुख्य बात क्या थी, आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है, क ए है, बी है, सी है और डी है, सही इसका आंसर बताइए 48 का, दिखाई दे रहा है ना, प्रवीण कुमार का आंसर आ गया, कोमल का भी आंसर आ गया, थैंक यू। दिल्ली की जनता ने स्वयं उत्तराधिकारी के प्रश्न पर निर्णय लेकर रजिया को सुल्तान बनाया था, दिल्ली की जनता जो है खुल जब इस बात का जब निर्णय लिया था कि नहीं रजिया को ही बनाया जाए, और बहुत लोग रजिया को जाकर के अपोज भी करता था, अपोज कौन करता था, 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो था वही अपोज करता था, क्योंकि योग्य पिता की योग्य पुत्री थी, है ना, योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। दूसरी बात यह जो है आपको बता दें कि रजिया जो है अपने पावरफुल होने के नाते, मैंने बहुत पावरफुल भी थी, और जाकर के खुले दरबार में जनता, क्योंकि बता दें आपको लाल वस्त्र धारण करके जनता के बीच में चली गई हाथ जोड़ करके, और जनता के बीच में जब लाल वस्त्र धारण करके गई थी, तो लाल वस्त्र धारण करके मतलब ही होता है
चूंकि नियम था, एक तो तमिल के दरबार में भी लोग जाता था तो लाल वस्त्र धारण करके। लाल वस्त्र का तात्पर्य यही होता है कि जो लाल वस्त्र धारण किया इसका मतलब यही हुआ कि वह जो है न्याय मांगने के लिए आपके पास आया है। ये जनता के बीच में गई थी, ठीक है ना? सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? ए होगा। खुले बस, क्योंकि मुस्लिम थी ना, जाकर के कुबा और कुलाबा जो बोलते हैं उसको त्याग करके जाकर के कोट पैंट पहन करके खुले दरबार में जाने लगी, ठीक है? एक जैसे अधिकारी के रूप में जो अधिकार जो चलाता था उस तरह से चलाने लगी। इसका सही आंसर आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। नजिया सुल्तान का विरोध कर रहे थे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था, बताइए जल्दी से बता दीजिए। मलिकुद्दीन कबीर खां, अयाज, बिजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन कुची या मलिक सैफुद्दीन कुची। 49। बताए हैं आप लोगों को, रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? जो 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था उसमें तुर्की लोग भी थे और गैर तुर्की भी थे, तो जो तुर्की जो लोग थे उस तुर्की दल का नेता कौन था? इसका सही आंसर होगा आपका बी होगा, जुनैदी, है ना? बिजामुल मुल्क जुनैदी। क्या होगा? जुनैदी, क्योंकि आपको हम बताए हुए थे। इसका सही आंसर होगा बी, बिजामुल मुल्क जुनैदी। नोट का शॉर्ट नेम है जुनैदी, है ना? रजिया सुल्तान का जो तुर्की जो लोग थे विरोध कर रहा था रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था जी, बोलिए। 50 नंबर क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का विरोध करने का मुख्य कारण क्या था? एक स्त्री होना था, वह कुशल जो है प्रशासिका नहीं थी, सेना का विद्रोह, या रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। बोलिए, बहुत इतिहासकार मानते, देखिए इसमें इतिहासकार का मत बहुत सारे हैं और सारे मत को हमने डाल दिया और इस मत में जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग का आंसर सही आ रहा है। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना, गैर तुर्की, तुर्की लोगों को नहीं, गैर तुर्की, आई मीन टू से डेट जो दिल्ली के जो स्थानीय जो लोग थे, 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन जो बना था उसमें जो स्थानीय जो लोग थे उसको सबसे ज्यादा महत्व दे रहे थे, ठीक है? रजिया सुल्तान के पतन का कारण यही था। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? बहुत सुंदर, इसका सही आंसर बहुत सारे लोग अच्छे दिए हैं। गैर तुर्की को अधिक महत्व देती थी, अगर वो तुर्की लोगों को ज्यादा महत्व देती तो शायद और भी अच्छी तरीका से शासन चलाती, है ना? अल्तुनिया, अल्तुनिया चूंकि आपको पंजाब के भटिंडा बताए थे ना, वहां पर जाकर के शासन चला रहा था, जाकर के स्वतंत्र अपने आप को घोषित शासक कर दिया, तब जाकर याकूत खान, चूंकि याकूत खान उसका प्रेमी था, प्यार करता था, और साथ में जो है कि याकूत खान और रजिया सुल्तान घोड़े पर सवार होकर के चला गया, और वहां जब गया तो अल्तुनिया द्वारा जाकर के याकूत खान की हत्या कर दिया, रजिया सुल्तान का भी हत्या कर देता हो, क्योंकि इसका उसका जो पावरफुल सेना थी, इसका पावरफुल सेना नहीं थी। उस स्थिति में जो है कि अल्तुनिया ने कहा, क्या कहा था? रजिया से कहा कि आपके साथ सामने जो है दो ऑप्शन है, एक पहला ऑप्शन है या तो मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मैं बनूं। अगर शादी कर लेती है तभी सुल्तान कहा जाएगा, है ना? तो ये दोनों में से जाकर के ऑप्शन जो चूज की कि नहीं, हम तुमसे शादी ही करेंगे। बोलिए, बी नहीं होगा, डी होगा। स्त्री होना भी जो है उसका एक कमजोरी था, लेकिन जितने भी आपको मत जो डाले हुए इतिहासकार का मत है, लेकिन उस उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ऑप्शन था आपका डी है। मत देखा है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? अरे बाप, बोलिए क्या होगा इसका? शाह तुर्कान, चांद बीवी, रजिया और नूरजहां। इन सब में चारों में सबसे सुंदर थी नूरजहां,
बहुत सुंदर थी। सब लोग आंसर दे रहा, सब लोग आंसर दे रहा है, वाह। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए बाबू, जानते हो इसलिए। बोलिए चलिए, ठीक है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 40, ओके, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, चांद बीबी के बारे में, नूरजहां के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 देख लिया जाए। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाला सुल्तानों का या मुल्तान नहीं बल्कि सुल्तान है ना, सुल्तानों का क्रमानुसार सजाइए। जल्दी से बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा। रजत सुल्तान के बाद, परेशपाल के बाद होगा, उसका भाई का नाम था क्या, बारामसा। बारामसा तो सबसे पहले आएगा भाई, क्योंकि वो खुश था जब दुनिया जो है जाकर के याकूत खान का जब हत्या किया था, तो बारामसा बहुत खुश था कि जो काम बारामसा को करना चाहिए था वो जाकर के किसी अदर लोग यानी दुनिया ने किया। बहुत खुश था, मिठाई भी बंटवाया था उसमें जाकर के, असरफी भी, जो चांदी के सिक्के जो विश्व बंटवाया था। तो सबसे पहला कौन होगा, बोलिए। बहुत सुंदर, कुछ लोग सी दिए हैं, शेरशाह मणि जाधव, दैट इज रॉन्ग बाबू। इतना क्वेश्चन में ट्विस्ट है ना, कुछ कुछ डिफरेंस टाइप का मिलता है। देखिए इसमें सबसे पहले होगा आपका बारामसा, बारामसा दो नंबर में है, ये भी देखिए दो नंबर में है, यहां पर भी है और वहां पर भी है, है कि नहीं। तो इस तरह से जो निश्चित तौर पर जो ये भी है और आपका ये भी है, अब दोनों में देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगर कभी भी इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो चार में से दो ऑप्शन आपको मिल ही जाता है, दो ही ना आप लोग गड़बड़ाते हैं। तो पहले होगा बहरामसा, तब होगा अलाउद्दीन मसूद शाह, आप लोग बताए, उसके बाद होगा नासिरुद्दीन महमूद, तब होगा बलबन। ऐसे भी लास्ट में आपका याद होगा, लास्ट में बलबन ही होगा। तो दो भी आपका फर्स्ट में मिला और लास्ट भी आपका चार मिला, यहां भी दो में फर्स्ट मिला और ये है आपका चार में भी आपका, तो दोनों सेम से मिल रहा है। बचा क्या, तीन होगा पहले कि एक होगा पहले। तो इसका दामाद कौन था भाई, तो दामाद था बलवन का, दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, क्योंकि अपनी बेटी से शादी किया था। तो इससे पकड़ में आ रहा है कि इसके जस्ट पहले कौन होगा भाई, तीन होगा, पकड़ में आ गया कि नहीं। इसलिए सही से आंसर जो होगा आपका क्या होगा, बी होगा, यानी कि 2, 1, 3 और 4। बोलिए लॉजिक, लॉजिक ये आपका नहीं होगा, लॉजिक। अगर आपको एग्जाम में अगर इसी तरह से लॉजिक देना होगा आपको, तब तो जाकर के इस तरह से ऑप्शन जो आपको सही आंसर होता है, ग्यासुद्दीन बलबन जाकर के तुर्कान ने चिहलगानी को नष्ट कर दिया था, क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। चलिए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के गुट चालीसा को है ना समाप्त किया था, जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर आपका क्या होगा, बलबन होगा, ग्यासुद्दीन बलबन है ना, जिसको बोलते हैं लॉ एवं रक्त नीति का पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में क्या बलबन द्वारा शुरू किया गया, सिजदा है, पैबोस है, नौरोज त्योहार है, दीवाने अर्ज है, इसको सैन्य विभाग बोलते हैं सिक्के। तो क्रम में सजाना है कि सबसे पहले पहला बार क्या स्टार्ट किया था। चलिए इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताइए, 54। इसमें भी आपका लॉजिक है, बहुत सुंदर। कुंदन पूजा रटिडोम, अरे पहले तो सिजदा एवं पैबोस ने चलाया था पहले पर था, तो पहले होगा सिजदा और पैबोस, सिजदा का मतलब समझ रहे हैं ना, और पैबोस का मतलब बताए थे ना कि पैर को चूमना, ये जाकर घुटनों पर टेक करके जाकर के जिले इलाही है ना, जाकर के नमस्कार जो प्रणाम जो आदाब जो बोलते हैं, इसको पैबोस का मतलब पांव को चूमना,
उसमें नवरोज उत्सव, ये जाकर के नवरात्रि जो नवरोज उत्सव जो मनाता है जाकर के मुस्लिम में, यानी कि 21 मार्च को जो नया साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है वही है। और दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना किया था। तो क्या इसका सही होगा? पहले एक होगा, दो होगा, तीन और होगा, चार। दिक्कत सब बतैले बानी, तुम लोग बुड़बक बना था तू, ठीक है, सब बतौले बानी। एक बार थोड़ा सा निकाल करके वीडियो देख लिया तू लोग, बुझाई लू, बुझाई कि ना बुझाई। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार की व्याख्या की? बताइए राजस्व सिद्धांत, जल्दी। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिस या मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक, MBT 55 का सही आंसर दे दीजिए आप, जल्दी जल्दी आंसर दो आप लोग। हाँ संजू, आदित्य कुमार मल्होत्रा जी भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिए जॉब करते हैं, सब इंस्पेक्टर सोनू मल्होत्रा हैं, जॉब करते हैं और बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, भगवान करे इनका इस बार सचिवालय सहायक में जॉब हो जाए। गुड, सब लोग अच्छी, सब लोग का सही, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर है। राजस्व सिद्धांत का जो है ना विस्तार से व्याख्या भी किया था बलबन ने किया था, ठीक है, हमने पढ़ाया भी था तो निश्चित तौर पर इसको याद कर लेंगे। अगला जो हम लोग का वंश जो पढ़ना है खिलजी वंश पढ़ना है तो खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मामलुक सुल्तानों में किसने राज्य को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियावते खुदाई माना है? बोलिए बोलिए जल्दी, फिरोज शाह, इल्तुतमिस, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। 56 अरे बलबन होगा भाई, शेष मणि है, शेर शाह मणि नहीं, ठीक है शेष मणि जी कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है ना, ये बलबन होगा, क्या होगा इसका आंसर? बलबन। चलिए 57, मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1246 में हुए युद्ध में बलबन की किस प्रिय पुत्र की हत्या कर दी गई? पुत्र वियोग में जाकर के 1287 में मर भी गया था, पता है ना आपको, पुत्र वियोग में बलबन जो है 1287 ईस्वी में जाकर मर भी गया था, पता है कि नहीं पता है? उस बेटा का क्या नाम था, बुबरा खान, कैखुसरो, कैकुबाद या मोहम्मद खान? 57 का आंसर बताइए। अरे भाई कैखुसरो और कैकुबाद तो बाद की बात है ना, क्यों आंसर दे रहे हो बी आप लोग, सी दे रहे हो, किसी बी दे रहे हो? अरे यार मोहम्मद खान होगा ना, उसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खान था, भूल जा रहे हो आप लोग, बताओ। बुला रहा है तुम सब यार, हाँ बहुत बढ़िया, राहुल रंजन पाठक, शाहजादा मोहम्मद, शाहजादा मोहम्मद का ही मोहम्मद खान, शाहजादा मोहम्मद का पूरा नाम, उसके बाद कैखुसरो, शमसुद्दीन कैयूमर जो कैकुबा, ये सब पहला जो होगा इसी के पुत्र वियोग में जाकर के बेचारा मर गया था। आप लोग को सब लोग बताए हैं, शाहजादा अगर जोड़ देते तो तुरंत बता देते आप लोग, मोहम्मद खान इसका पूरा जो नाम तो बताए ना, बार लड़का शाहजादा मोहम्मद खान, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर होगा। उसमें कैखुसरो, तब शमसुद्दीन कैयूमर्स, अब उसके लास्ट में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वही ना था जो जाकर के खिलजी वंश का जाकर के स्थापना किया था।
नहीं सर, शाहजादा मोहम्मद था नाम, तो वही लड़ा थोड़े। बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा था, वही जाकर के मारा गया था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पुत्र वियोग में जाकर के बेचारा मर भी गया था बलवन। थोड़ा सा पढ़ लो ना एक बार, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं और पढ़ भी लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो आप लोग। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पर दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए रहे। 58। बहुत सुंदर। इसका पीडीएफ अभी तुरंत डालेंगे, तुरंत। थोड़ा सा एक मिनट। इसका आंसर बताइए क्या होगा? बता दिया आप लोग इसका आंसर, दैट इज वेरी सिंपल। बलबन क्या होगा? बलबन है ना। चलिए दो क्वेश्चन और बचा है, 59 देख लीजिए। 59 का आंसर बता दीजिए। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दिया था? 59। 59 का सही आंसर बता दे। हलाकू, चंगेज खान, तैमूर खान या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? खलीफा की हत्या कर दिया था 1258। किस मंगोल नेता ने, मंगोल नेता की बात हो रहा है ना, खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दिया था? क्या होगा आंसर, सही बता दीजिए इसका। दीपमाला प्रसाद सी, किसी ने बोला बी। हम जानते हैं कि अस्त ऑप्शन जानबूझकर हम डाले हैं चंगेज खान, ताकि आप लोग कंफ्यूज करिए और इसका आंसर गलत दीजिए। सब लोगों का आंसर गलत आया है, सिर्फ एक लड़का है राजीव कुमार, ठीक है, इसका आंसर होगा हलाकू। क्या होगा? हलाकू। खलीफा की हत्या कर दिया था, हलाकू होगा, ठीक है ना। ये लड़ाकू था, लड़ाकू विमान था, ठीक है, इसी तरह से नाम इसका पड़ा हलाकू। हलाकू मतलब लड़ाकू, समझ लीजिए, समझे। कभी भी चंगेज खान नहीं होगा। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी? तो सही उसका आंसर होगा आपका हलाकू। क्या होगा? हलाकू। भूलिएगा नहीं, जान चंगेज खान को जान बुझ कर आंसर हम लोग डाले हैं, जान बुझ कर हम डाले हैं, उनको ऑप्शन में डाले थे। एट लास्ट क्वेश्चन, बलवन के बलवनी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंत भला तो सब भला। बलवन ने, बलवन की बलवनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बोगरा खां था, कैकुबा था, शमसुद्दीन के युमज था या कैकुसरो था? 60 का आंसर जल्दी बता दे। सी, काजल कुमारी बोल रही है सी। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं डी, पढ़ा नहीं है लोग।
हम पढ़ा चुके हैं, अंतिम शासक भी बता दिए हैं, उसका वध किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, किया था ना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बोलिए डी कभी होगा कहे खुसरो, अरे शमसुद्दीन कई उमर सोगा, हो गया इसका आंसर क्या होगा, शमसुद्दीन कई उमर जो पूरा था, जो 3 साल का जो बेटा था उसको जाकर के बनाया था, बाद में क्या हुआ इसको हत्या कर दिया और अपने आप को जाकर के दिल्ली सल्तनत का गुलतान और एक नए वंश का उदय हुआ जिसको बोलते हैं खिलजी वंश, कि पूरा का पूरा जो है आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए सही इसका आंसर होगा शमसुद्दीन की उमर्स या कैमूर्स एक ही बोला जाता है। तो आप लोग अब तक से बताइए क्या आप लोग सीखे और क्या आप लोग को ये जो दे रहे हैं क्या वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो आप लोग का चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा करके उसके बाद जो है आप लोगों को इससे संबंधित जो है आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये मेरा तरीका आप लोग का सही है या गलत है, एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप लोग कंबाइंड एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पर करेंगे उसको, जिसमें पूरा रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, क्वालिटी भी रहेगा, है ना, ज्योग्राफी भी रहेगा, मतलब टोटल मिसलिनियस मेरा जीएस का साइंस को छोड़ करके, साइंस वाले सर साइंस का कराएंगे, तो ये सब पूरा का पूरा जो हम सोच रहे हैं कि आप लोग का एक और क्लास स्टार्ट करें और एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें हम डालने का प्रयास करें।